पंछियों को दाना चुगने दो, कोई भूखा प्यासा आ गया तो उसे लाठी से मार के भगाओ मत। संयम का मार्ग लिया। कहते हैं अनशन तप तो वो करते ही थे। अनशन तप किसे कहते हैं? उपास करने को, बड़े बड़े उपास। इस युग में, इस सदी में सबसे पहले सबसे बड़े सिंह निष्क्रीड़ व्रत की तपस्या साधना यदि किसी ने की तो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज। उस सिंह निष्क्रीड़ व्रत के दर्शन फिर द्वारा तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज ने कराए। उसके बाद फिर प्रसन्न सागर जी, कुशाग्र नंदी जी, निश्चय सागर जी ने भी हिम्मत लगाई। गुरुओं के संस्कार कहीं ना कहीं आगे की पीढ़ियों तक चले जाते हैं। अनशन तप तो करते ही थे, अवमौदर्य तप भी करना, भूख से कम भोजन करना ताकि प्रमाद ना आए। और वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान माने नियम लेना, प्रतिज्ञा लेके जाना कि अमुक तरह की कोई विधि मिले, किसी तिराहे पर, किसी चौराहे पर अमुक तरह का पड़गाहान हो, एक चक्कर लगाने के बाद दूसरे चक्कर लगाने के बाद। और विधि ले लेते थे। एक बार उन्होंने ऐसी विधि ले ली इंदौर में कि किसी बैल के सींग में गुड़ लगा हो, गुड़ की भेली लगी हो, नहीं मिली विधि। आसान नहीं है महाराज जी को हम बोल दें आज हमारे यहाँ आना, क्या करें। लोग भोले भी होते हैं और कुछ धूर्त होते हैं। जो भक्त होते हैं वो भोले होते हैं, जो अब क्या हो, धूर्त नहीं बोलो, कम से कम इतना पड़गान को खड़े हैं तो अच्छाई तो है ही है, भोले ही ज़्यादा होते हैं। तो क्या हुआ, अभी की बात है, दिल्ली वाले आए, चौका चल रहा है उनका भी महीने भर से, और आज महाराज जी हमें जाना है। यहाँ तक तो ठीक था कि आपको जाना है, हमको ही सूचना है कि आप जाने वाले हैं और एक महीने से हैं और अभी 8 दिन से खुद भी हैं, तो हो सकता था कि इसमें परिक्रमा में कहीं नंबर लगता तो लग जाता। लेकिन उसके बाद और बोलते हैं आज आपके हार हो जाएं तो बहुत बढ़िया हो, बस यही तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अब तो ये निमंत्रण हो गया, अब तो विधि भी मिले तो भी नहीं जाना। अभी खाली हाथ गए हैं, फिर आएंगे 8-15 दिन में। ये जब शिष्य श्रावक बैठे ना, ये जब तक इनके यहाँ 2-4 दिन तक आहार नहीं होता है तब तक तो उत्साह बना रहता है, 10-15 दिन नहीं हो तो फिर थोड़ा ढीले पड़ने लगते हैं। अच्छा, गुंजाइश दिखने लगे तो पड़गाहन में उछल उछल करके और पड़गाहन करते हैं, और अगर पड़गाहन करके आहार हो गया तो जब घर जाते हैं तो चक्रवर्ती की तरह गांव में प्रवेश करते हैं। दिल्ली में तो एक पारसोला का परिवार आया और नहीं हुआ आहार 8-15 दिन तक, तो फिर वो एक दिन तो रोने लगे और बोले कि हाँ, दूसरे साधुओं से, महाराज से कहो हमारी इज्जत बचा लें, हम गांव में जाके क्या मुंह दिखाएंगे वगैरह वगैरह। तो फिर हमको महाराज लोगों ने बताया कि वो कह रहे थे गांव में जाके क्या मुंह दिखाएंगे। फिर एक संयोग की बात है, नहीं हुआ हार तब भी हिम्मत करके वो रुके रहे। फिर कैसा ही हुआ कि कहीं पड़गाहन हुआ था और वो ठीक कुछ कमी निकली। वापिस जब निकले तो सब जगह तो साधु थे, उनके यहाँ कोई नहीं था, और विधि खुल गई तो विधि भी उनको पता पड़ गई और आखिर उनकी इज्जत बच गई। वास्तव में इज्जत बेइज्जती तो गुरु के चरणों में क्या होती है, लेकिन भावना रहती कि कैसा भी करके एक बार तो हो जाए। महाराज भी बड़ी कठिन विधि लिए और तीसरे दिन जाकर के शक्कर बाजार से गुजर रहे थे,
बेली भरी हुई थी गाड़ी पर, बैलगाड़ियाँ थीं और एक बैल सांड। शहरों में सांडों का होना पूरी तरह से गलत नहीं होता है। एकाध एकाध होना चाहिए। हाँ, ज्ञानी कहते हैं, एक नीतिकार कहता है कि आप अपने घर की, समाज की, खेती की रक्षा करते हो, करना चाहते हो तो घर में एक को सांड बनने दो। क्योंकि हम ये सलाह आपको नहीं देंगे फिर भी। तो दड़ाकता हुआ एक सांड आया और उसने तो बैलगाड़ी में, सांड को क्या लगता है, बैल तो थोड़ा डरता भी है, और उसने यूं फंसाया। योग संयोग वहीं से गुरु महाराज निकल रहे थे, उसको भगाने के लिए लोगों की हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी, और वहीं दूसरे कुछ पड़गाहन करने वाले खड़े थे। वहीं सांड के सिर में, सींग में गुड़ लगा था, महाराज जी का पड़गाहन हो गया। हाँ, ना मिले और बाद में पूछ लें कभी कभी, उसमें भी विधि दो तरह की होती है कि जब तक ना मिले तब तक लेते रहना, या सिर्फ आज के लिए। देखा तो आप अपरातर्फी में क्या हुआ कि सेठ साहब के यहाँ भी पड़गाहन हो रहा था, सिटानियाँ भी बिल्कुल पूरी तैयारी मुस्तैदी के साथ खड़ी थी कि आज तो हार होना चाहिए, त्यागी व्रती मुनिराज के तीन तीन उपास हो जाएं, हैं कैसे काम चलेगा, दुबले पतले महाराज का उपास हो जाए। और ये बदलो, ये उठाओ, ये रखो, इसी धक्का मुक्की में सेठानी के गले के हार को किसी का पंजा लगा, देवरानी का, जेठानी का, और सारे मोती बिखर गए जमीन में। महाराज का पड़गाम हो गया। तब भी अटपटा अद्भुत तप करने के मालिक थे महाराज, कौनूर की गुफाओं में तप करते थे, और उनके गले में आके सांप लिपट गया। कल शाम को हमने इसी पर बहुत बहुत इसी तरह का ध्यान किया कि जब महाराज के गले में सांप लपटा होगा, चढ़ा होगा, तो उनकी क्या दशा बनी होगी और उन्होंने कैसा अनुभव किया होगा। तो जब हमने इस पर अनुभव किया तो अनुभूति तो अद्भुत हुई, लेकिन उनने निर्भयता बनाए रखने के लिए कितना पुरुषार्थ किया होगा, देह और जीव की भिन्नता का कैसा बोध हुआ होगा, ये अनुभव में भी आया। द्रोणागिरी पहाड़ पर सिंह का साक्षात्कार हुआ। अडिग रहना अपनी साधना के मार्ग पर, ही गुरुओं से सीखो। गुरुओं के नाम पर खींचातानी करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनके मार्ग पर चलने वाले सौभाग्यशालियों के दर्शन बहुत कम होते हैं। वो जो कह के गए हैं, जो कर के गए हैं, उस रास्ते को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य महाराज का जीवन तो अद्भुत। मुनियों का अपना कोई घर नहीं होता है, कोई परिवार नहीं होता है। ज्ञानार्णों में लिखा है मुनियों का परिवार क्या है, घर क्या है। विंध्याद्री नगरम गुहा वसति का सैया शिला पार्वती दीपाश्चंद्र करा मृगा सहचरा मैत्री कुलीनांगना विज्ञानम सलिलम तपा सदसनम एसाम प्रशांतात्मना धन्यास्ते भवपंक निर्गम पथा प्रोद्देशिका संतुना। घर कहाँ है, बोले विंध्याद्री पर्वत ही उनका नगर है। गुफाएं गांव के बाहर की बसती का निषदिका निसे ही वो ही उनका नगर है। और गुहा वसती का जो गुफाएं हैं, जो मंदिर हैं,
जो गांव के पीछे बाहर छोटे मोटे रूम जैसे बना देते थे वो उनकी बसती का है। सैया क्या है? पर्वत की सिलाही सैया है। समझ में आया? पाटे की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये तो आपने गुरु महाराज को भी देखा, सनमती सागर जी महाराज, पाटे की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, कोई जबरदस्ती लगा दिया तो लगा दिया, नहीं तो धरती पर। और दीपाह चंद्र करा, दीपक कौन सा? बोले चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा की किरणें ही दीपक है, अलग से कोई लाइट और रोशनी और जरूरत ही नहीं। मृगा सहचरा, दोस्त लोग सहचर कौन है? मृग जंगली जानवर या साथी मुनिराज। और नेत्री कुलीन अंगना, स्त्री कौन है? मुनिराज की स्त्री नहीं होती है, फिर भी कवि ने कल्पना की कि मुनि की स्त्री कौन है? बोले मैत्री भाव, सबके प्रति अपनेपन का भाव ही उनकी बनिता है। और विज्ञानम सलिलम, सम्यक ज्ञान रूपी जल है, उपवासों का ही भोजन है। काय का भोजन करते हैं? भोजन किस चीज का करते हैं? तप का भोजन, उपवासों का भोजन। बोले ज्ञानामृतम भोजनम, और जो अत्यंत प्रशांत आत्मा है, धन्य है, वो इस जगत रूपी पंख से निकलने के लिए जो चल पड़े, ऐसे मुनिराज धन्य है। बरसों बरस तक महाराज ने तपस्या की, पूनम चंद घासीलाल जैसे सुश्रावकों ने सम्मेलित शिखर के लिए आग्रह किया, और पंडित नलनाल जी जैसे शिष्य उनके साथ रहने को तैयार हो गए, तब उन्होंने शिखर जी का मानस बनाया। फलटन से सवारी चालू हुई, शिखर जी तक सैकड़ों गांव में जिन धर्म की प्रभावना हुई, जगह जगह की सरकारों ने व्यवस्थाएं, सुविधाएं, सुरक्षा कर्मी जो संघ के श्रावक थे उनको प्रदान किए। और ध्यान रखना, संघपति संघ का पति होता है, मुनियों का पति नहीं होता है। संघपति का मतलब होता है चतुर्विध संघ, उसका स्वामी, उसमें श्रावक श्राविका भी हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि हर एक का सही निर्वहन हो। और उसमें मुनिराज हैं तो मुनियों पर उनका आदेश नहीं चलता है, मुनियों को तो निवेदन करते हैं कि हम शिखर जी जा रहे हैं, आप भी चलेंगे तो आपके साथ हमें धर्म ध्यान का जाना आनंद आएगा, रोज मुनियों को आहार देने का आनंद मिलेगा। या फिर वो गुरुदेव विहार कर रहे हैं तो आप भी उनके साथ लग गए, जंगल में आसानी से पड़गहान हो जाएगा। यहाँ तो घिसते घिसते महीना हो गया, लेकिन हेरत हेरत आँखियाँ थक गई तो ही नहीं आए, वहाँ तो रास्ते चलते। बड़ी प्रभावना के बाद, सम्मेलन शिखर में अद्भुत प्रभावना के बाद, गुरु महाराज वापिस दक्षिण की तरफ आए। किशनगढ़ भी शंका आना हुआ, ब्यावर में हुआ था, दिल्ली में हुआ, जगह जगह जाकर के दिल्ली में फोटो खिंचवारे। लाल किले पर जब हमारा प्रवचन हुआ तब हमने प्रसंग लिया कि जिन धर्म की प्रभावना के परिप्रेक्ष्य में फोटो खिंचवाए गुरु ने, उनको अपने फोटो खिंचवाने का कोई शौक नहीं था। साधकों को जिन शासन प्रभावना की फिक्र हो सकती है, नहीं तो उन्हें अपने देह की भी फिक्र नहीं होती। आप कह सकते हैं यहाँ भी मुनिराज पधारे थे, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, भाई हमारा कभी पुराना वहाँ रहा है मंदिर, चले गए, हम अपनी फोटो नहीं खिंचवाना चाहते, हम ये साबित करना चाहते हैं कि यहाँ भी कभी हमारा जिनालय रहा है, अभी भी मूर्तियाँ टूटी फूटी पड़ी हैं। उसके बाद दक्षिण की तरफ वापिस कुंथलगिरी तरफ संघ पहुंचा। बारामती में महाराज जी को ऐसे महसूस हुआ, और तो जो उनने अन्न का त्याग किया,
3 साल 18 दिन का, और इसके लिए उनका विरोध ये नहीं था कि पिछड़े लोग आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उनका कहना था कि तरीका गलत है, आप केवल किसी मंदिर में भेज करके आप इनका जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठा सकते हैं, आपको अगर इनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना है तो सबसे पहले इनको सुविधाएं दो और इनके व्यसनों का त्याग कराओ तो इनका जीवन ऊपर उठेगा। उनने इसके लिए त्याग किया, तप किया, बाद में आंखों की ज्योति मंद होने लगी और कुंथल गिरी जाकर के 36 दिन की कठिनतम साधना की। धन्य है ये समाधि महोत्सव, अद्भुत महोत्सव है, और समाधि महोत्सव में जाना और उनकी अनुमोदना करना, वो खुद अंकलीकर जी के समाधि महोत्सव में उद्गम कुंज बन गए थे। ऐसा भात्सल्य भाव साधु संतों में गुरुजनों में रहा है, होना चाहिए। उनकी समाधि में गए थे और फिर उनकी समाधि के 11 साल बाद महाराज की खुद की, उनकी तो केवल 14 दिन की समाधि 14 उपास के बाद हुई, 13 उपास के बाद महाराज जी की 36 दिन तक चली, कभी भी शिथिल नहीं पड़े। शिष्य ने कहा भगवान आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा, महाराज बोले चुल्लक जी फिक्र मत करो, जिस धर्म के सहारे हमने कल्याण किया उस जिन धर्म के सहारे तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। अंतिम उपदेश दिया भ्यू नको संयम घ्या, भ्यू नकोस मी तुझा पाठीसी आहे, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम संयम लो साधना करो। अरे कोई क्या दुनिया की फिक्र करेगा, महाराज जी तो अंतिम प्रवचन में भी ये कहते हैं आमची हार्दिक भावना आहे संपूर्ण जगत चा कल्याण हो, सर्वांचे मंगल हो, सब जीवों का उपकार की भावनाएं अंतिम शब्दों तक जुड़ी रहीं। ऐसे महान आचार्य भगवंत शांति सागर जी का आज 69 नंबर का समाधि दिवस है, उनके जैसे मंगलमय समाधि हम सबको भी उपलब्ध हो, क्योंकि एक बार समाधि मरण हो जाए तो संसार का जंजाल खत्म हो जाता है, 7-8 भाव में जी मोक्ष पा लेता है। आज उनके चरणों में बारंबार वंदन, कुंथलगिरी में लोग उनको अर्घ अर्पण कर रहे होंगे, हमारा सौभाग्य है कि हम सभी यहाँ उनको वंदन कर रहे हैं। चूँकि आज हम सुबह सरप्राइज देना चाहते थे कि वहाँ जाएंगे स्मारक पर, लेकिन वो 7 बजे तक पानी चालू रहा या तो उस तरफ जाना नहीं हुआ, फिर भी आज अपन ने यहीं बहुत अच्छे ढंग से विनयांजलि अर्पित की। जय बोलिए चरित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की।